एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्वेरी टाइप करके रखी है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। लेक्चर 5 का ये तीसरा भाग है और मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जो लाइक ऑपरेटर हमने पिछले लेक्चर में सीखा था उसे आप एक प्रोफेशनल की तरह किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछले जितने भी हमने क्वेरीज पढ़ी हैं उन क्वेरीज में तो हमने बहुत ही सिंपल वे में क्वेरीज को परफॉर्म किया, नेस्टेड क्वेरी भी सीखी। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये 26वीं नंबर की जो क्वेरी है वहीं से चालू हो जाएगी। तो आपके सामने प्रस्तुत है क्वेरी नंबर 26, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर आपको आउटपुट के साथ में कुछ लगाना हो, जैसे कि आपको पर्टिकुलर किसी डेट फॉर्मेट में यही कमांड इस तरीके से प्रस्तुत करना हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि गेट द आउटपुट लाइक फॉर डी डी एम एम वाई वाई देयर आर ब्लैंक ऑर्डर्स, मतलब कितने ऑर्डर्स हैं जो इस तारीख को आए हैं। आपके सामने आउटपुट जो है एक सेंटेंस के रूप में लिखाना चाहिए, क्लॉज के साथ लिखाना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट फॉर का। और यहाँ पे जो आपको दो बार और ऑपरेशन दिखाई दे रहा है ये आपके बैक स्लैश के ऊपर में रहता है, शिफ्ट के साथ आप इसको टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टू कैरेक्टर नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो टू कैर आप यहाँ पे टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आपसे क्या कहा गया है, ऑर्डर को आपको फेच करना है, ऑर्डर को आपको निकालना है, ऑर्डर की डेट को। तो आप यहाँ पे ऑर्डर की डेट को डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में लिख देंगे। अगर आपको कोई दूसरा फॉर्मेट है तो यहाँ पे दो बार डी डी, दो बार एम एम, चार बार वाई 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 लिख देंगे तो यहाँ पे ईयर जो है चार डिजिट में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर से आप एक नया चीज़ जोड़ना चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा है देयर आर, तो यहाँ पे देयर आर को जोड़ने के लिए आप फिर से इस और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप लिखेंगे काउंट, काउंट क्यों लिखेंगे, इतने ब्लैंक ऑर्डर्स हमें देने हैं तो ब्लैंक काउंटर्स की यहाँ पे काउंटिंग आ जाएगी, किसके द्वारा, काउंट फंक्शन के द्वारा। ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑर्डर्स ग्रुप बाय ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट के हिसाब से ये चीज़ आपको जमी जमाई मिल जाएगी, इतना सिंपल है ये। तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एक बार चला के देखेंगे, आपके सामने आउटपुट आएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं आपको प्रोफेशनल कैसे बनाने वाला हूँ। तो देखिए, फॉर 6 अक्टूबर 2019 देयर आर टू ऑर्डर्स, फॉर 3 अक्टूबर देयर आर फोर ऑर्डर्स, फॉर 4 अक्टूबर देयर आर वन ऑर्डर्स एंड फॉर 5 अक्टूबर देयर आर टू ऑर्डर्स। अब चूंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर्स लिखा है तो वन के साथ में भी यहाँ पे ऑर्डर्स प्रिंट हो रहा है, बट यू कैन डू लाइक दिस कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स है इसके साथ में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एस जो है ये ऑप्शनल जैसा दिखाई देगा, अब आप इसे रन करके देखें तो यहाँ पे ऑर्डर के बाद में जो एस लिखा है ये ऑर्डर या ऑर्डर्स हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये था आपका प्रोफेशनल वाली क्वेरी कि आप लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल जो फॉर का है आप किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब यदि आपको कोई क्वेरी इस तरीके से देखनी हो कि आउटपुट लाइक दिस, तो आप फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अगला जो है वो बहुत ही आसान सी क्वेरी है, यह पहले भी हम बना चुके हैं लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है। एज्यूम दैट ईच सेल्स पर्सन हैज़ अ 12% कमीशन, मान लीजिए कि सभी सेल्स पर्सन के पास में कितना कमीशन है, 12% का कमीशन है। प्रोड्यूस ऑर्डर नंबर सेल्स पर्सन एंड अमाउंट ऑफ सेल पर्सन कमीशन फॉर दैट ऑर्डर, तो प्रत्येक ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक ऑर्डर के लिए सेल्स पर्सन का आपको प्रोडक्ट ऑर्डर, उसका सेल्स पर्सन का नंबर और अमाउंट ऑफ द सेल्स पर्सन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इसमें हमने क्या किया, तीन चीज़ें जो हमें बोली गई हैं, ऑर्डर नंबर, सेल्स नंबर, अमाउंट, इन सभी को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। अमाउंट के साथ में 12% कमीशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किस टेबल से हमको निकालना है, ऑर्डर्स टेबल से निकालना है, और ऑर्डर भाई हमने क्या कर दिया, एस नाम सीरियल नंबर के हिसाब से क्या कर दिया, जमा दिया, सिंपल। तो इसे हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आउटपुट का नज़ारा देखते हैं। देखिए, तो ये जो है सभी के पास में कितना है, 12% जो है अमाउंट है उसका कमीशन है, तो 767 रुपये के हिसाब से लगभग 92 रुपये का उसका क्या बनता है, कमीशन बनता है। और ये इसके सीरियल नंबर है और सीरियल नंबर के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का, सेल्स पीपल का जाके आप डेटा देख सकते हैं कि ये किसका है, और आप चाहें तो उसे सब क्वेरी के द्वारा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये काम आप घर पे करके देखें कि यदि मुझे यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम भी चाहिए तो उसे मैं कैसे ऐड करूँगा, ये आप काम कर सकते हैं। और नीचे आप क्वेरी को क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उससे मुझे पता भी चलेगा कि आप इस क्वेरी को देखते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं। अगली क्वेरी की ओर बढ़ते हैं, क्वेरी नंबर 28। सबसे हाईएस्ट रेटिंग ईच सिटी पुट द आउटपुट इन दिस फॉर्म, यहाँ पे फिर से यही वाला क्वेश्चन आ गया कि
कि अब आपको आउटपुट जो है इस फॉर्म में चाहिए कि फॉर द सिटी द हाईएस्ट रेटिंग इज दिल्ली। तो इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, रायपुर के लिए जो हाईएस्ट रेटिंग है वो इतनी है, मतलब फॉर द सिटी रायपुर द हाईएस्ट रेटिंग इज दिस। तो जब मैं इस कॉपी इस क्वेरी को यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे, और इसे समझाने का काम भी आपको विंडो पे ही करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया, पहले इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि इसमें आउटपुट क्या आने वाला है इस तरीके का कि फॉर द सिटी दिल्ली द हाईएस्ट रेटिंग इज 300। तो दिल्ली के लिए सबसे हाईएस्ट रेटिंग कितनी है, 300 है। तो ये हमने कैसे किया, फॉर द सिटी जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट फॉर द सिटी को सिंगल कोटेशन मार्क में जोड़ दिया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है। फिर हमें कॉलम कौन सा इंक्लूड करना था, उसे आपने ये जो और वाला सिंबल होता है जिसे हम पाइपिंग सिंबल कहते हैं उसके अंदर में हमने सिटी लिख दी। फिर हमने फिर से सिंगल कोटेशन मार्क लगाया, द हाईएस्ट रेटिंग इज मैक्स रेटिंग में से चुन लिया, और रेटिंग जो है किस में है, कस्टमर टेबल पे है, और इसे क्या कर दिया, ग्रुप बाय सिटी कर दिया, सिंपल। तो यहाँ पे जितनी भी सिटी के हिसाब से आपने ग्रुपिंग की है आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो ये थी अगली क्वेरी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि डिस्प्ले द टोटल्स ऑफ ऑर्डर्स फॉर ईच डे एंड प्लेस द रिजल्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर की बात आती है तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय में काउंट को यहाँ पे लिख देंगे ओनम, सिंपल सी बात है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ ऑर्डर नम को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसे करेक्ट करके एक लाइन में लिख के हम इसे रन करके देखेंगे। तो ये आ गया आपका डिसेंडिंग, सॉरी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं बताता हूँ। ये जो ऑर्डर बाय वाला लाइन लिखा हुआ है इसके बाद हमने क्या किया है, कॉलम को सिलेक्ट किया है। इसके बाद आप एक स्पेस लगा के DESC लिखेंगे, इस DESC का मतलब होता है डिसेंडिंग। तो यहाँ पे ये जो आपको काउंटिंग दिखाई दे रही है ये इसके पहले भी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही थी, अब आप क्या करेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा था, DESC लिखने से क्या होगा, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देने लगेगी इस प्रकार से। तो ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेरी। फिर अगला है आपके सामने ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पीपल एंड कस्टमर्स हु हैव शेयर्ड अ सिटी, मतलब ऐसे सेल्स पीपल और कस्टमर्स जो किसी शहर को क्या करते हैं, एक साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात आ जाती है, अब हम ज्वाइन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, कस्टमर टेबल को और सेल्स पीपल को। जहाँ पे सिटी सेल्स पीपल की और कस्टमर की एक जैसी होगी उसे हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये कौन सा ज्वाइन है आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। क्वेरी नंबर कौन सी है, ये क्वेरी नंबर है 30। तो मैंने आपको ज्वाइन का लेक्चर दिया था जिसमें सभी प्रकार के ज्वाइन, राइट ज्वाइन, राइट इनर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, जितने भी प्रकार के ज्वाइन होते हैं मैंने आपको सभी एक्सप्लेन किया था। ये किस प्रकार का ज्वाइन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। तो ये जो है ये कॉमन सिटीज शेयर करते हैं, रमेश और घनश्याम, मतलब आपका जो सप्लायर नेम है और जो कस्टमर नेम है, रमेश जो है वो घनश्याम को सप्लाई करता है, सुरेश जो है शबाना को करता है, रमेश जो है वो ऋतिक को क्या करता है, सप्लाई का काम करता है। तो ये जो चीज़ें हैं कौन सी ज्वाइनिंग में आएंगी ये आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है, ये आपके लिए सवाल है। फिर आता है नेम ऑल द कस्टमर्स मैच्ड विद द सेल्स पीपल सर्विंग देम, मतलब ऐसे सेल्स पीपल के नाम जो, मतलब कस्टमर जिनके एक ही हैं इनके नाम देना है। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर के द्वारा इसे चुना जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमको कस्टमर और सेल्स पीपल पुरानी क्वेरी की तरह ही चुनना है और बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो ये हो गया, एक मिनट यहाँ पे, ओके। तो ये जो कस्टमर नेम है इनमें ये सब कॉमन है, मतलब रमेश, सुरेश, राजू, ब्रिजेश और अमन जो है इन सारे कस्टमर्स को क्या करते हैं, सप्लाई करने का काम करते हैं और कॉमन है इन सभी में। फिर आता है आपका लिस्ट ईच ऑर्डर नंबर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कस्टमर हु मेड द ऑर्डर, जो ऑर्डर बनाने का काम करते हैं कस्टमर उन्हें हमें क्या करना है, ऑर्डर नंबर फॉलोड बाय नेम करना है। तो इसका भी काम हमको ज्वाइन के द्वारा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं इसे, सिंपल सी बात है, और अब इसे रन करते हैं। तो ये रहे ऑर्डर नंबर, फॉलोड बाय ऑर्डर नंबर बोला था तुमने, यहाँ पे फॉलोड बाय ऑर्डर नंबर कर दिया और सारे के सारे क्या कर दिए, कस्टमर के नेम उठा दिए। तो ये उसका ऑर्डर नंबर है और ये इसके कस्टमर का नाम है। यही हमें क्वेरी में कहा गया था कि लिस्ट ईच ऑर्डर नंबर फॉलोड बाय द नेम द कस्टमर हु मेड द ऑर्डर, जिन्होंने ऑर्डर बनाया उनके ऑर्डर नंबर और उन कस्टमर्स के नाम आपको दिखाने थे। फिर आता है आपका 33वें नंबर का क्वेरी, आज की सेकेंड लास्ट क्वेरी। ये जो 35 है ये नेक्स्ट लेक्चर से आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे
33वें नंबर की जो क्वेरी है इसमें बोल रहा है नेम्स ऑफ सेल्स पर्सन एंड कस्टमर ऑफ ईच आफ्टर द ऑर्डर नंबर। जैसे यहाँ पे फॉलोड बाई क्या था, ऑर्डर नंबर था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेल्स पर्सन और कस्टमर दोनों का क्या देना है, आपको नाम देना है। तो इसे भी आप सीरियल नंबर के द्वारा दे सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में जो मैंने सेल्स नंबर जो आपको दिया था ये क्यों दिया था सभी टेबल पे और इसे प्राइमरी की क्यों बनाई थी, ताकि आप क्या कर सकें डेटा को फेच कर सकें अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकें। तो ये इस तरीके की क्वेरी जो है बनती जा रही है आपकी बड़ी आसानी के साथ में, और उम्मीद है आपको काफ़ी स्पीड के साथ में समझ में आ रहा होगा कि ये ऑर्डर नंबर है, ये आपका सप्लायर नेम है और ये इसका कस्टमर है। मतलब एक ही लाइन में आपको सारी डिटेल मिल गई, वो भी दो अलग अलग टेबल की, बल्कि यहाँ पे तो तीन टेबल आ गई, कस्टमर भी आ गया, सेल्स पीपल भी आ गया और ऑर्डर्स भी आ गया। ओके, तो तीनों टेबल को हमने क्या कर दिया, एक साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये थी सेकंड लास्ट क्वेरी, और आज की लास्ट क्वेरी जो है वो है प्रोड्यूस ऑल कस्टमर सर्विस्ड बाई सेल्स पीपल विद अ कमीशन अबव 12%। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, 12% सभी में मल्टीप्लाई किया था, अब हमें क्या करना है 12% से अधिक जिनकी जिनकी कमीशन है और जो कस्टमर के द्वारा मतलब सेल्स पीपल के द्वारा सर्विस दिए जाते हैं उनका हमें क्या करना है, उन सभी कस्टमर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हम ये क्वेरी बना के रखें, इसे मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊंगा और आज का लेक्चर जो है इसी क्वेरी के साथ हम क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। तो ये जैसे आपका सुरेश है तो इसे शबाना के द्वारा क्या 13% कमीशन मिलती है, और ऋतिक जो है ये कमीशन कमाता है 15% किसके द्वारा, ब्रिजेश के द्वारा। तो ये क्वेरी बनाने के लिए आपने क्या किया, कस्टमर नेम और उसका नेम सर्विस का सर्विस वाले का नेम और कमीशन आपने चुना कस्टमर टेबल से सेल्स पीपल से, जहाँ पे कमीशन क्या था 12% से ज़्यादा था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। तो जितने भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन वाले क्वेश्चन किए हैं आपको कमेंट सेक्शन पे गैस वर्क नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली बताना है कि ये कौन सा ज्वाइन हमने इस्तेमाल किया है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है या कौन सा ज्वाइन है, ये आपको बताने का काम करना है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छा हो सके। और यदि आप नहीं बता पाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले इन सभी को डिस्प्ले करूँगा कि ये कौन कौन से ज्वाइन थे, और उसके बाद फिर हमारा लेक्चर जो है आगे बढ़ेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, अभी बहुत सारी क्वेरीज बाकी हैं लेक्चर 5 में, मैं पूरी सेंचुरी मारने की तैयारी पे हूँ और उम्मीद है आपको मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन पर मुझे बता दें, मुझे रोक दें कि सर बस करो बहुत क्वेरीज हो गई। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, सी यू।